गुना शिवपुरी संसदीय सीट से भाजपा सांसद केपी यादव और उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ अशोकनगर कोतवाली में जीरो पर केस दर्ज किया गया है। इसके बाद मुंगावली थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। जाति प्रमाण पत्र बनवाने में गलत जानकारी देने को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। प्रशासन ने कुछ ही समय पहले बीजेपी सांसद और उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। सांसद केपी यादव और उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ धारा 420, 120 बी, 181, 182 के तहत केस दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सांसद बने थे। प्रशासन को भाजपा सांसद केपी यादव के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के अनुसार 2014 में यादव द्वारा अपने बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए वार्षिक आय क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए से कम बताई गई थी, जो गलत है। इस घटनाक्रम में बीजेपी सांसद के मामले पर बीजेपी ने उनका बचाव करते हुए कुछ सवाल उठाए हैं। एक व्यक्ति 3-3 चुनाव लड़ ले और उसको समिति बरी कर दे और एक व्यक्ति पे केस लगा दे एसडीए में। अभी हमने 2 फैसले इस हफ्ते के अंदर देखे। एक अशोकनगर के विधायक जजपाल जज्जी का था, जो पिछड़ा वर्ग से लड़े, जो एससी सीट से लड़ लिए, जो सामान्य सीट से लड़ लिए, उसको अधिकारियों ने कह दिया कि ये ठीक है, और एक को एसडीएम ने कह दिया गलत है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कांग्रेस सरकार लगातार काम कर रही है, ये बदले की भावना से काम कर रही है, परंपरा डाल रहे हैं, देखते हैं। प्रशासन ने जांच में पाया कि यादव की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है। इस आधार पर सार्थक यादव व उनके पिता केपी सिंह यादव दोनों का क्रीमी लेयर का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया, ताकि भविष्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिले। आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है। 8 लाख रुपए से कम आय होने पर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मिलता है। इस मामले में सांसद की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार का इस मामले में कहना है कि सांसद यादव के खिलाफ सबूत मिले हैं, इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। केपी यादव जी के बारे में तो देखिए, इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई जो अगली जो बनती है, वो तो कानून तो अपना काम करेगा, ठीक है। और कानून को अगर पीछे हटना होता और कानून के रक्षकों को अगर पीछे हटना होता तो वहाँ तक वो आगे कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट होता है और वो सिद्ध हो जा चुका है, तो इसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई है वो अपने आप बनेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।